वेलकम टू आरवी करियर काउंसलर एंड आरवी एजुकेशन हब। आज हम बात करेंगे जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की है राजस्थान स्टेट की वैकेंसी। इस सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी का कल नोटिफिकेशन आया जो कि अगले महीने एग्जाम है 7 और 8 जनवरी को, उन एग्जाम की पर्पज से। तो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ, अपने पास अगर आज से अपन काउंट करें तो मात्र आज होगी 17 से 5 तारीख तक हम काउंट करें, 6 और 7 और 8 इनको छोड़ दो, आज से 5 तारीख तक टोटल हो जाएंगे 20 दिन। इस 20 दिन में सिलेबस तो कवर होगा नहीं, केवल रिवीजन हो सकता है। तो मैं आपको एक बार इसका जो सिलेबस आरएसएम बोर्ड ने दिया है उसको एक बार रिव्यू बता देता हूँ, कौन कौन सा सिलेबस में कौन कौन से सेक्शन आएंगे। तो देखो, सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में राजस्थान की हिस्ट्री और इंडियन की हिस्ट्री आएगी। तो मैं जहां तक सोचता हूँ 20 नंबर की तो राजस्थान की हिस्ट्री आएगी और ये जो 10 नंबर की है वो इंडिया की हिस्ट्री आएगी। ठीक है, कल्चर की बात करें और जो एक तो टॉपिक दे रखे हैं ये टोटल मिला के 20 नंबर मान लेते हैं, पर इंडिया और राजस्थान के ज्यादा पढ़ लेना, कल्चर और इंडिया के कम पढ़ लेना। ज्योग्राफी की बात करें तो मैं सोचता हूँ 20 सवाल आएंगे राजस्थान के और इसमें से 10 सवाल आएंगे इंडिया के। ठीक है, पॉलिटी की बात करें तो मैं ये सोचता हूँ पॉलिटी एक्चुअली कम ही आती है एग्जाम में, और इसमें ये फिर लिख रखा है कि राजस्थान पर अधिक बल के साथ भारतीय राजनीति। तो हम ओवरऑल राजस्थान और भारत की ज्यादा आती राजनीति, टोटल 10 सवाल मानते हैं इससे। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करें तो वही व्यावसायिक फसलें कौन सी है, इंदिरा गांधी परियोजना वगैरह उससे रिलेटेड सवाल आएंगे, तो मैं ये राजस्थान सेक्शन से मानता हूँ, ओवरऑल 10 सवाल आएंगे हम मान के चलते। साइंस और टेक्नोलॉजी के 10 सवाल मैंने माने हैं, रीजनिंग के और मैथ के मान लो आप 10 एक सवाल। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर 10 10 10, इनके सवाल मान लो, जरूरी नहीं 2 3 सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, कंप्यूटर के 5 5 से 7 सवाल दे दिए, इंग्लिश के बढ़ा दिए घटा दिए आगे पीछे हो सकते हैं, करंट के 10 सवाल मान लो, यहाँ से 5 सवाल भी आ सकते हैं कोई पता नहीं है। ठीक है, टोटल सवाल कितने आएंगे, 150 सवाल आएंगे और एक सवाल 2 नंबर का है तो टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे सवाल करके आने हैं और 3 3 घंटे का पेपर यानी 180 मिनट में हमें सारे सवाल करके आने हैं 150। तो ये मान के चलो एक सवाल में 1 मिनट मिलेगा, बाकी के आगे के 30 मिनट है वो गोला भरने में या और भी सवाल पढ़ने में टाइम लग जाएगा जो आप मान सकते हो। तो टोटल हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, इस पे हमें काम करना है मात्र 20 दिनों में। तो आप आज से ही शुरू हो जाओ, एक एक टॉपिक लेके चलो पर डे के हिसाब से और उनका प्रॉपर्ली रिवीजन कर लो। मैं नए टॉपिक की बात करूं तो हिस्ट्री के अंदर ज्यादातर हमें बल देना है सामाजिक और आर्थिक आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, कुल मिला के जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना वो ज्यादा पढ़नी है इंडियन वाली। उसके बाद में बात करें रीजनिंग में, एक नया टॉपिक है रीजनिंग में, उसका नाम है इनपुट आउटपुट, वो थोड़ा ध्यान दे लेना, वो सवाल पक्का आएगा एक। और मैथ की बात करें, मैथ में एरिया किसका आएगा, इलिप्स का, इलिप्स करके लिखा हुआ है, इलिप्स आप जानते हो क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है, तो उसका थोड़ा सा एरिया देख के चले जाना उसका क्षेत्रफल। हिंदी और इंग्लिश में थोड़े से नए टॉपिक आए, जैसे हिंदी के अंदर विराम चिन्ह डाल दिया, ध्वनि और वर्गीकरण को डाल दिया इन्होंने, पारिभाषिक शब्दावली, राजभाषा हिंदी है तो उससे रिलेटेड सवाल आ जाएंगे, पत्र, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पत्र है, हिंदी में है पत्र और उसके प्रकार और कार्यालय पत्र, और इंग्लिश में है लेटर राइटिंग, ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल, इस प्रकार के लेटर है। और करंट के अंदर आपको स्पेशल जोर दे के पढ़ना, चर्चित व्यक्तित्व कौन सा है, स्थान कौन से हैं चर्चित और संस्थाएं कौन सी है। तो ओवरऑल करके हमें 5 तारीख तक ये सिलेबस कवर करना है। सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।